यीशु मसीह ने उस स्थितियों में रहकर सूली पे बात किया हुआ। पहले बात यीशु मसीह ऑलरेडी यीशु मसीह को कील टोका गया, यीशु मसीह को लहू बहा गया, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना गया, यीशु मसीह को सारे लोग अगल बगल के लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह के बगल में रहने वाले चोर लोग भी निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नीचे कोई हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को निंदा कर रहे हैं। उस स्थितियों में यीशु मसीह ने क्या कह रहे, देखिएगा, हर एक एक मनुष्य के जीव में, हर एक एक मनुष्य के अंदरी चीज अंदर से मनुष्यों को गुस्सा आता है, नफरत आता है। बिना यीशु मसीह के अंदर कैसे बात आ गई, देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 23:34 वचन पढ़िएगा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो, इन्हें क्षमा करो पिता, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। आज तक पास्टर लोगों ने, आज तक मसीह लोगों ने, आज तक क्रिश्चियनिटी में एक ही बात आज तक प्रचार करते हैं यीशु मसीह के विषय में। क्या प्रचार करते हैं पता है, यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करने का, परमेश्वर का सोच है क्षमा करने का। परमेश्वर कभी भी नफरत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक बात में सभी लोग क्या कर दिए, बात को खत्म कर दिए। सच में यीशु मसीह क्षमा करने के स्वभाव के हैं, वो कभी भी नफरत रखने वाला एक सोच नहीं, कभी भी बैर भाव रखने का सोच नहीं, किसी के विषय में गलत एक सोच विचार रखने वाला परमेश्वर नहीं है, सबको क्षमा करने वाला है। ये तो एक चेहरा को लोग समझ रहे हैं ना, समाज में केवल एक चेहरा को दिखा रहे, लेकिन दूसरी चेहरा, दूसरी चीज, दूसरी रीजन वहां पर उस अच्छे से पढ़ेगा उस वचन को। हे पिता, इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं, पता इन लोगों को। यीशु मसीह सैनिकों को देख के कह रहा है कि प्रभु इनको क्षमा करो पिता। यीशु मसीह अपने परिवार के लोगों को याद कर रहे हैं, परिवार के लोग वहां पर नहीं है, यीशु मसीह के पिता वहां पर नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। यीशु मसीह के भाई लोग वहां पर नहीं है, आगे बताऊंगा। और एक तरफ रास्ते में जाने वाले लोग यीशु मसीह को निंदा उड़ा रहे हैं, और यीशु मसीह अगल बगल के रहने वाले चार दो लोग, उस वो लोग भी यीशु मसीह को निंदा में ठट्टा में उड़ा रहे हैं। यीशु मसीह को चार लोग जजमेंट किए, अन्ना, कैफा, हेरोदेस, पिलातुस, है ना, चार लोग जजमेंट किए, उनको यीशु मसीह याद कर रहा है। यीशु मसीह याद करते हुए उस सूली पे इतना भयानक स्थिति में बोल रहे कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या कर रहे इन्हें पता नहीं है, पता नहीं। यीशु मसीह इसलिए बता रहा हूं, सोचने को बार बार पढ़िएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इसलिए इनको क्या करो पिता, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहे ये लोग क्या कर रहे, मेरे कपड़ा को चिट्टी डाल दिए, पता नहीं लोग क्या कर रहे, मुझे खील मार दिए कि ये लोग, ये मुझे खील मार दे सूली पे, इनको पता नहीं मुझे क्यों खील मारा जाता है, ये लोग निंदा कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये लोग क्यों निंदा कर रहे हैं। सच में प्रभु इनको पता नहीं पिता, अगर इनको पता रहता ये लोग मुझे क्या करते थे, मेरे साथ ऐसे नहीं करता है। हे सच में इन लोगों को पता नहीं था यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है यीशु मसीह के साथ क्या क्या होगा, सबसे पहले यीशु मसीह के साथ क्या होगा, देखिएगा, यीशु मसीह के साथ सबसे पहले ये हो गया, यीशु मसीह को अगल बगल में दो चोर लोगों को डाल दिया गया था सूली पे, वो दोनों अपने गुनाह की वजह से डाला गया था, लेकिन यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह को क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिए। क्यों चढ़ाया गया, पढ़िए मेरे साथ यशया भविष्यद्वक्ताओं की किताब 53 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा। वो अपराधियों के संग, यीशु मसीह ने अपराधियों के संग क्या किया गया, उसको गिना गया। दो अपराधी लोग हैं और दो अपराधियों के बीच में यीशु मसीह को क्या किया जा रहा है, अभी अपराधी करके गिना जा रहा है। यीशु मसीह ने कुछ भी अपराध नहीं किया है, हंसने की बात है हम लोगों को, यीशु मसीह के जीवन में एक भी दाग नहीं है। यीशु मसीह ने एक जगह में कहा कि मेरे अंदर पाप दिखाने वाला कोई है आपके बीच में। यहूदी लोग जो धर्मशास्त्र का निपुण थे, धर्मशास्त्र का पंडित लोग थे, उनका रोम खड़ा हो गया कि यीशु मसीह के बात पे सवाल करके खड़ा होकर यीशु मसीह के अंदर रहने वाला पापों को या यीशु मसीह के अंदर गलत को दिखाने के लिए। ऐसे जिंदगी बिता हुई यीशु मसीह को बाइबल बताता है कि गुनाहों के बीच में उनको भी क्या किया गया, गिना गया। ये लोग यीशु मसीह के जाकर सूली पे चढ़ा रहे, इनको पता नहीं बाइबल का वचन क्या कर रहा है यीशु मसीह के अंदर वहां पर पूरी हो रहा है। यीशु मसीह संसार में आने से पहले,
यीशु मसीह संसार में मरियम के गर्भ के आने से अंदर आने से पहले ही यीशु मसीह के बारे में स्वर्ग पे जब भी यीशु मसीह था उसी समय में एक भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह को क्या किया जाता है, अपराधियों के साथ यीशु मसीह को क्या किया जाता है, गिना जाता है। यह बात पूरी हो रहा है लेकिन सूली पे चढ़ाने वाले लोगों को यह बात पता नहीं है। अनजाने में यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं लेकिन इनको यह पता नहीं कि हम अनजाने में यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाकर परमेश्वर को भविष्यवाणी को मेरे जीवन में मेरे द्वारा यीशु मसीह के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं पूरी कर रहा हूं। उनको पता नहीं सच में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, फिर से यीशु मसीह का कपड़ा को क्या किया गया, उधर चिट्ठी डाला गया, न डाला गया ना। अब जाकर मत्ती रचित सुसमाचार 27:35 जाके पढ़ेगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां पर यीशु मसीह कपड़ा को क्या किया गया, चिट्ठी में डाला गया। चिट्ठी डाला किसको, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर जो कपड़ा था वो एक ही वस्त्र था, वो टुकड़ा नहीं था, एक ही वस्त्र था। अब इसको फाड़ देंगे तो किसी को इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए वहां पर रहने वाले सैनिक लोग क्या कर दिए, उनके नामों से चिट्ठी डाले कि किसको अगर मिलेगा, किसके नाम से मिलेगा, वही लोग ये कपड़ा ले ले। पता है आप लोगों को, चिट्ठी डालने वाले लोगों को पता नहीं है कि मैं पुराने नियम यीशु मसीह के कपड़ा के लिए चिट्ठी डालूंगा, चिट्ठी डालेंगे करके जो भविष्यवाणी था वो मैं पूरा कर रहा हूं करके उनको पता नहीं था। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का 22:18 वचन को, वे मेरे वस्त्र को आपस में क्या करेंगे, वो लोग बांटते हैं, आपस में बांटते हैं, और मेरे पहरावों पर चिट्ठी, ओ क्या करेंगे लोग, चिट्ठी डालेंगे। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाकर यीशु मसीह कपड़ा को चिट्ठी डालने से पहले हजारों वर्ष के पहले दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह के पहरों यानी कि यीशु मसीह कपड़ों के लिए क्या करेंगे लोग, चिट्ठी डालेंगे। लेकिन चिट्ठी डालने वालों को पता नहीं, मैं भजन संहिता 22 माध्यम में रहने वाले बातों को मैं मेरे द्वारा क्या कर रहा हूं, यीशु मसीह के अंदर पूरा कर रहा हूं। अनजान में लोग क्या करे, चिट्ठी डाल दिए। उतना नहीं हुआ, यीशु मसीह को खील मारा गया, यीशु मसीह के हाथों में और पैर में यीशु मसीह को खील मारा गया। बाइबल उसी भजन संहिता का 22 माध्यम जाके पढ़िएगा, यीशु मसीह के पैर पे और हाथों पे क्या किया गया, छेद किया गया। बाइबल एक भविष्यवाणी वहां पर लिखा गया है, खील टोकने वालों को पता नहीं कि मैं परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा हूं। और आखिर में क्या हो गया, यीशु मसीह को रास्ते में जाने वाले सब लोग यीशु मसीह को ठट्टा उड़ा रहे हैं, हो तुम तो बहुत बड़ा परमेश्वर हो, तुम तो बहुत बड़ा ईश्वर है, अब अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहा, अभी उतर के आ जाओ, हम आपको विश्वास करेंगे। चोर लोग भी यीशु मसीह को ठट्टा मोड़ा रहे हैं, हमको बचाओ, आप अपने आप को बचाकर हमको भी बचाओ, ठट्टा में उड़ा रहे हैं यीशु मसीह को। पता आप लोगों को, ठट्टा करने वाले लोग, यीशु मसीह को निंदा करने वाले लोगों को पता नहीं कि हम परमेश्वर के बात उस भविष्यवाणी को हम पूरा कर रहे हैं। पढ़े मेरे साथ भजन संहिता 22 अध्याय 7-8 वचन पढ़िएगा, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा क्या करेंगे, ये लोग ठट्टा करेंगे। बस ये जो रास्ते में जाने वाले लोग हैं मुझे ठट्टा करेंगे, सैनिक लोग मुझे ठट्टा करेंगे, चोर लोग मुझे ठट्टा करेंगे, मेरे घर के लोग मुझे ठट्टा करेंगे। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी था। ऐसी स्थितियों में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ये लोग क्या करें, पिता इनको पता नहीं, इनको क्षमा कर दो। सच में परमेश्वर आज और आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर हमको सच में गलतियां पाप अगर पता नहीं है, अगर उसको पाप करेंगे पता नहीं रहने के बाद अगर पाप करेंगे उसको, सच में परमेश्वर आज में आप और हमारे जीवन में क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन राजाओं को यीशु मसीह ने देखा, इन सैनिकों को यीशु मसीह ने देखा, उन यहूदियों को यीशु मसीह ने देखा, वो रास्ते में जाने वाले लोगों को यीशु मसीह ने देखा, चोर लोगों को यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये लोग क्या करें, इन लोगों को पता नहीं, इनको क्या कर दो प्रभु पिता, क्षमा कर दो, इनका शिक्षा मत दे, इनकी क्षमा कर दो, इनको एक चांस दे दो, ये लोग अपने जीवन को बदल जाए, ये लोग अपने जीवन को सुधर जाए, एक चांस दे दे परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह का मुंह में थोड़ा सा भी पानी नहीं, इतना सूख गया गल्ला, दिल में इतना दर्द है, शरीर में इतना चोट है, सूली पे चढ़ा गया है, इतने
वजन रहने वाला खीरे यीशु मसीह के हाथों में ठोका गया, फिर भी यीशु मसीह के मुंह में से निकल रहे कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं इनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो करने वाले थे वो लोग क्या किए पता आप लोगों को, पढ़िएगा प्रेतों के कामों के वर्णन 13 अध्याय, प्रेतों के कामों के वर्णन 13 अध्याय 27 वचन पढ़िएगा, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ना यीशु मसीह को पहचाना ना भविष्यवक्ताओं के बातें समझी, और जो हर शब्द के दिन हर सब्बत के दिन पढ़ती जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहरा कर उन बातों को पूरा किए। ये लोग क्या कर दिए, पूरा किए। राजा भी उन बातों को पूरा किया, सैनिक लोग उन बातों को पूरा किए, यहूदी लोग भी उन बातों को पूरा किए, अन्य लोग भी उन बातों को पूरा किए जो बातें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या किया गया था, कहा गया था। तुम्हारे जीवन में भी आज अगर मुझे पाप, ये जो मैं कर रहा हूं ये पाप आपको पता नहीं, उस पापों से यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करेंगे, उस पापों से जरूर आपको क्षमा है। जब आपको पाप पता होने के बावजूद भी उन पापों को यीशु मसीह क्षमा करते हैं जो आपको पता नहीं पाप है करके, लेकिन जब परमेश्वर के पास आने के बाद, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करने के बाद आपको पता है पाप क्या है, दोष क्या है, अपराध क्या है, वो अपराध अगर आप करोगे, उस गुनाह अगर आप करोगे, आपको क्षमा नहीं, आपको तब भी क्षमा मिलेगा जब तुम लोग अनजाने में क्या करेंगे, पाप करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उस बात को कहा, प्रभु ये लोग क्या करें, इन लोगों को पता नहीं क्षमा, लेकिन क्षमा पिता इन्हें क्षमा करो, उस पद को हमारे मसीह लोग केवल उस पद को लिए, लेकिन दूसरे पद को क्या कर दिए, उसको छोड़ दिए है। प्रियो अगर हमारा जीवन में अगर कोई भी यीशु मसीह के साथ जो घटना किया, अगर हमारा जीवन में लोग अगर ऐसे घटना करेंगे तो आप क्षमा करेंगे क्या उन्हें? अगर लोग आपको ठट्टा करेंगे उन्हें क्षमा करेंगे? लोग तुम्हें मारेंगे तो क्षमा करेंगे? लोग तुम्हारा संपत्ति को छीनेंगे तो क्षमा करेंगे? लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो क्षमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मनुष्यों ने, मनुष्य का स्वभाव ऐसे है कि हम लोग नफरत को पैदा करके रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे है कि जो यीशु मसीह के साथ धोखा किया, जो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए, जितने भी लोग यीशु मसीह का पोजीशन में था उन लोग यीशु मसीह ने कहा, उतने दर्द में भी यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये लोग क्या करें इनको पता नहीं, इनके अनजाने में ये लोग परमेश्वर तेरे उद्देश्य को क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा कर रहे हैं, तेरे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। उन लोगों को जरूर क्षमा है जो अनजाने में क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारे शत्रुओं को भी क्या करना है, तुम्हें माफ करना, तुम्हारे शत्रु से प्रेम करो, तुम्हारे शत्रु से प्रेम करना, तुम्हारे शत्रुओं को माफ करना। यीशु मसीह के दुश्मन थे ना सब लोग, सब लोग यीशु मसीह के दुश्मन थे अगल बगल में। तुम्हारे जीवन में अगर ऐसे दुश्मनता है, तुम्हारे जीवन में अगर अगल बगल में दुश्मन के लोग खड़े हो गए हैं, तुमको अगर नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें एक फर्ज बनता है कि उन्हें क्या कर देना, क्षमा कर दो। उनको पता नहीं यीशु मसीह के बारे में, पता नहीं उन लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, पता नहीं उन लोगों को यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में, पता नहीं उन लोगों को यीशु मसीह के दिल के बारे में, पता नहीं उन लोगों को। आपको पता है ना, आपको पता है, आप उन्हें क्या करना है, क्षमा करो। और परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे जब तुम अनजाने में गलत कर देते हैं, जानकर गलत करेंगे तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं है। अनजाने में गलत करने वाला हर एक गलती पापों के लिए क्षमा है। जब यीशु मसीह के अंदर आने से पहले जितने भी पाप आपने करते हैं उसको क्षमा है। जब यीशु मसीह के अंदर आप आने के बाद, आप पवित्र जीवन बिताने के लिए आए हो, जब आप लोग गलत करते हैं, जब आप लोग अपराध करते हैं, उसकी शिक्षा जरूर आपको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रियो जब भी आप कदम बढ़ाते हो, जब भी आप जिंदगी बिताते हो, उस समय सोच कर आपको क्या करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तुम्हारे दिल को परमेश्वर फरकते हैं, तुम्हारे दिल को परमेश्वर जरूर फरकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या आप रखे। इसलिए प्रियो यीशु मसीह ने सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर उसके जीवन में इतने दर्द के बीच में एक बात यीशु मसीह ने
इस बात को कहा।